गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मेरे चैनल निकीज ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं हूं निकिता और मैं आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूं। और आज का वीडियो कोई कुकिंग वीडियो नहीं है, कोई चैलेंज वीडियो नहीं है। आपके लिए आज मैं लेके आई हूं एक अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं इस अनबॉक्सिंग वीडियो में आपके लिए क्या क्या हेल्पफुल चीज़ें यहाँ पे बताने वाली हूँ। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक YouTube चैनल खोलेंगे तो जस्ट सोचिए मत, खोल लीजिए। और हाँ, इस वीडियो से बहुत कुछ आइडिया मिलेगी कि आप कैसे शूट करोगे या फिर क्या क्या चीजें चाहिए। जो इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ वो आपके लिए आई एम श्योर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो वीडियो को स्किप बिना किए एंड तक ये वीडियो देखते रहे। अगर आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और या फिर आप चलाने के लिए, खोलने के लिए सोच रहे हैं एक यूट्यूब चैनल, तो आप ज़रूर इस ट्राइपॉड को ट्राई कीजिए। ये कोई मोशन वीडियो नहीं है, ये एक्चुअली मेरी पर्सनल सेटिस्फेक्शन से आप लोगों के लिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये वीडियो मैं शेयर करूँ, और ताकि आप लोगों को भी थोड़ा हेल्प मिले। सो आई होप आप लोग ये वीडियो बहुत ही एंजॉय करेंगे। सो एंड तक देखते रहिए ये वीडियो। ये है मेरा ट्राइपॉड और इस ट्राइपॉड स्टैंड के साथ मुझे एक रिंग लाइट भी रिसीव हुई थी। मैं डिटेली आपको सब कुछ बताऊंगी। सो इसका पैकेजिंग बहुत अच्छे से किया गया था और इसके अंदर एक ऐसा बॉक्स था जिसके अंदर था मेरा ये ट्राइपॉड स्टैंड। सो ये है मेरा ट्राइपॉड स्टैंड और इसका एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि इसका बेस बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना था। और अगर आप ये इसको खोलना चाहते हो तो साइड से जो की है उसको घुमाते हुए ऊपर से थोड़ा प्रेस करते ही ये खुल जाएगा इस तरह से। सो चलिए देखते हैं कि मुझे रिंग लाइट कैसी रिसीव हुई है। सो इस तरह से पैकेजिंग किया गया था इस रिंग लाइट को और बहुत अच्छे से पैकेजिंग किया गया था और उसके अंदर था रिंग लाइट का जो बॉक्स है। रिंग लाइट के बॉक्स को खोलते ही हम लोगों को पहले मिला जो रिंग लाइट है वो, और उसके साथ कुछ टूल्स भी दिया गया था। सो ये है हमारी रिंग लाइट। अंदर हमें रिसीव हुआ है एक ऐसा 360 रोटेट होने वाला एक स्टिक और इसके साथ ट्राइपॉड हेड में लगाने के लिए और ताकि हमारा जो रिंग लाइट है फिक्स होने के बाद 360 डिग्री घूम सके उसके लिए एक हेड और माउंट। और इसके साथ हमें रिसीव हुआ है एक कंट्रोलर जो हमारी लाइट को कंट्रोल करती रहेगी। लाइट जो है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसके क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और ट्राइपॉड के साथ फिक्स करने के लिए हम लोग इस होल का यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस एडाप्टर को इस ट्राइपॉड स्टैंड के हेड में फिक्स करेंगे। तो इसको ऐसे लगा के बस घुमाते जाए सो ये फिक्स हो जाएगी। इसी के ऊपर हम लोग फिक्स करेंगे एलईडी लाइट को और देखिए ये एलईडी लाइट पूरा 360 डिग्री ऐसे ही घूमेगी। और साइड में की है वो अगर हम लोग टाइट कर दें रोटेट करना बंद कर देती है। अभी चलिए हम लोग एलईडी लाइट को फिक्स कर लेते हैं ट्राइपॉड स्टैंड के हेड के साथ। अगर आप लोगों के मन में इस ट्राइपॉड को लेके कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करके ऑल करके रखिएगा। ये एलईडी लाइट फिक्स हो जाए उसके बाद हम लोग इसको होल में डालेंगे और इसको भी ऐसे घुमाते हुए टाइट कर देंगे ताकि ये भी फिक्स हो जाए।
अभी बारी है माउंट को फिक्स करने की। सो इसके लिए हमें इसके बैक में जो ट्विस्टर है उसको खोलना पड़ेगा और इसमें ऐसे डाल देना होगा, और यहाँ में इसको ऐसे प्रेस करते ही ये खुद ब खुद फिक्स हो जाएगी। उसके बाद इस रिंग को उठा के बस घुमाइए और हो गया फिक्स माउंट आपके ट्राइपॉड के साथ। अभी इसमें आप बहुत ही आसानी से मोबाइल लगा के अच्छे से शूट कर पाएंगे, आपके YouTube के लिए, आपके कोई भी वीडियो के लिए। आप लोगों को मोबाइल भी यहाँ पे फिक्स करके दिखाते हैं। देखिए कितने अच्छी तरीके से फिक्स हो गया है ना, और ये ऐसे भी टर्न करके आप लोग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ट्विस्ट होता है, टर्न होता है, 360 डिग्री घूमता है ये हेड जो है वो। सो अभी आप लोग बहुत ही आसानी से आप कोई भी डायरेक्शन से कुछ भी शूट कर सकते हो। लोग बिलीव नहीं करोगे कि ये ट्राइपॉड 6 इंच प्लस की हाइट तक ये एक्सटेंड होती है। सो चलिए इसको दिखाते हैं कैसे ये एक्सटेंड किया जाता है। सो साइड में एक ये है जिसको घुमाते ही ये अगर आप ऊपर खींचेंगे तो ये ऊपर एक्सटेंड हो जाएगा। एक बार ये ऊपर एक्सटेंड हो जाए फिर इसके की को घुमा के फिर फिक्स कर लीजिए, हो गया आपका ट्राइपॉड 6 फीट प्लस का एक्सटेंड। रिमोट के साथ एक यूएसबी कॉर्ड भी दिया जाता है जिसको आप अपने चार्जर के जो एडाप्टर है उसको उसके साथ आप कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हो। और इसका एक चीज़ मुझे और भी ज़्यादा अट्रैक्ट किया मुझे जो है इस लाइट को जलाने के लिए या फिर शूट करने के लिए। अभी आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि आप इसको पीसी से भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास पावर बैंक है उसके साथ भी आप कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हो, और जो चार्जर एडाप्टर है उसके साथ भी आप कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हो। सो ये बात मुझे इस लाइट की बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें जो कंट्रोलर दिया गया है वह में आप लोगों को 4 स्विच मिलेगी। इस स्विच प्रेस करते ही ये लाइट ऑन होगी। उसके बाद जो माइनस साइन है उसको प्रेस करने से इसका जो ब्राइटनेस है वो कमेगा, और इसका जो प्लस साइन वाला बटन है उसको प्रेस करते ही ये लाइट का जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाएगा। इसका ब्राइटनेस लेवल 10 लेवल तक बढ़ता है। मैं 3 लाइटिंग मोड्स भी है, वाइट, वार्म येलो एंड वार्म वाइट, और इसके मूड सेटिंग बटन क्लिक करके आप लोग इसका मूड सेट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।